हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंप्रेसर और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडेंसर के बारे में ठीक है तो कंडेंसर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एज यू नो ठीक है दिस इज यूज फॉर द कंडेंसेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट वेपर ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंडेंसर का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम पेस्ट किया हुआ है ठीक है और आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये बताना है कि डायग्राम कौन से कंडेंसर का है किस तरह के कंडेंसर का डायग्राम है है ठीक जो कंडेंसर होते हैं हमारे पास बेसिकली तीन तरीके के कंडेंसर होते हैं वाटर कूल्ड एयर कूल्ड एंड एबरेटिव कंडेंसर इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कंडेंसर इन डिटेल ओके सो लेट एस स्टार्ट सो लेट एस स्टार्ट सो कंडेंसर वाट इज द कंडेंसर फर्स्ट फर्स्ट वी नीड टू नो वट इज द कंडेंसर एंड वाई इट इज यूज ठीक है तो देखिये जैसा आप सबको पता है कि जग द कंडेंसर इज यूज टू कंडेंस द रेफ्रिजरेंट वेपर दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्रेसर आउटलेट ठीक है जो कंप्रेसर के आउटलेट से आपका बाहर आता है ठीक है जो आपका वेपर बाहर आ रहा है रेफ्रिजरेंट का उसको कंडेंस करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है ठीक है जो कि आपका वेपर वो जो वेपर होता है जो कि कंप्रेसर से बाहर आता है वो किस पे रहता है वो हाई प्रेशर पे रहता है ठीक है सो इट इज यूज टू कंडेंस द हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्रेसर ओके सो कंप्रेसर से जो आपका वेपर आ रहा है उसको कंडेंस करने के लिए इसका यूज करेंगे ठीक है नाउ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंडेंसर कैपेसिटी बेसिकली जो कंडेंसर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी हमारे पास यूज होते हैं ठीक है कि किस टाइप का कंडेंसर किस कैपेसिटी के लिए यूज होगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन जो कंडेंसर होता है उसकी कैपेसिटी मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है पहला तो आपका मटेरियल दैट मीन्स मेटेरियल का मतलब आपका जो कंडेंसर आपने लिया है उसका मटेरियल क्या है ठीक है आइदर इट मे बी कॉपर इट मे बी स्टील और इट मे बी अल्मोनियम ठीक है कुछ भी हो सकता है आपके पास कॉपर हो सकता है स्टील हो सकता है एलमोनियम हो सकता है तो जो भी है आपका मटेरियल उसके हिसाब से जो मटेरियल की एबिलिटी होगी हीट ट्रांसफर की उस पर डिपेंड करेगा ठीक है दूसरा आपका डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ठीक है अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट मींस द मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट कि आपका मीडियम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है ठीक है दूसरा आपका सर्फेस एरिया पे डिपेंड करेगा मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट कहने का मतलब यह है कि आप एयर से भी कूल cool कर सकते हो आप वाटर से भी कूल cool कर सकते हो कंडेंसर में ठीक है तो आपका मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है उसके बाद आपका सर्फेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट कि आपका जो ट्यूब है उसके डायमीटर कितनी है उसकी लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो सर्फेस एरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा और रेट ऑफ फ्लो ऑफ कंडेंसिंग मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो कंडेंसिंग मीडियम यूज कर रहे हो वो कितना उसका रेट ऑफ फ्लो है ठीक है अगर रेट ऑफ फ्लो ज्यादा आप दोगे जैसे आप वाटर 10 के पर मिनट की स्पीड से अगर 10 के पर मिनट के रेट ऑफ फ्लो से अगर आप वाटर डालते हो किसी कंडेंसर में तो जो कंडेंसेशन होगा वो स्लो होगा अगर आप वही 20 के पर मिनट की स्पीड से डाल डालते हो या 20 kg per minute के पर मिनट के मास फ्लो रेट से अगर आप डालते हो तो जो कंडेंसेशन होगा वो जल्दी होगा ठीक है तो ये अमाउंट ऑफ कॉन्डेक्ट पे भी डिपेंड करेगा ठीक है कि जो आपके कंडेंसर है उसकी कैपेसिटी क्या हो सो नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडेंसर सो कंडेंसर इज क्लासिफाइड बेसिकली इन थ्री कैटेगरीज ठीक है तीन कैटेगरीज में हम लोग कंडेंसर को यूज करते हैं और ज्यादातर जो कंडेंसर हमने जो क्वालिफा सॉरी जो क्लासिफाई किए हैं जो कंडेंसर हमने वो हमने किए अकॉर्डिंग टू द कंडेंसिंग मीडियम यूज कि हम आप कंडेंसिंग मीडियम हम क्या यूज कर रहे हैं ठीक है तो कंडेंसिंग मीडियम के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं और इसमें तीन तरीके के कंडेंसर होते हैं एयर कूल्ड एयर कूल्ड मींस आवर कंडेंसर

और इसमें हमारा कंडेंसिंग मीडियम क्या होगा वाटर और यहां पे हमारा कंडेंसिंग मीडियम क्या होगा एयर प्लस वाटर सो वी विल यूज बोथ इन दिस टाइप ऑफ एबरेटिव कंडेंसर ठीक है तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एक एक करके कंडेंसर देख लेते हैं कि आ, हमारे पास जो कंडेंसर है ठीक है एयर कूल कंडेंसर के बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या है ठीक है तो जो एयर कूल कंडेंसर होते हैं द एयर कूल्ड कंडेंसर एज यू नो ठीक है हीट इज रिमूव बाय द एयर ठीक है क्योंकि हम एयर को क्या यूज कर रहे हैं कर रहे हैं, तो स्टील और कॉपर ट्यूब स्टील या कॉपर ट्यूब हो सकती है आपकी ठीक है जनरली जो डाया होता है उसका दैट इज सिक्स एम एम टू एटीन एम एम सिक्स एम एम टू एटीन एम एम डाया हो सकता है ठीक है कॉपर इज जनरली यूज कॉपर को बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इट हाई हीट ट्रांसफर एबिलिटी द कॉपर हैज वेरी हाई हीट ट्रांसफर एबिलिटी ठीक है जो कॉफिशियंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो काफी अच्छा होता है इसीलिए हम लोग कॉपर का यहाँ पे यूज करते हैं ज्यादातर केस में कंडेंसर में ठीक है लेकिन अगर हमारे पास अमोनिया है तो एज यू नो अमोनिया कैन रिएक्ट विद द कॉपर ठीक है तो अमोनिया जो है हमारा कॉपर के साथ रिएक्ट कर दे करता है तो इसीलिए इफ यू आर यूजिंग अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट देन यू हैव टू यूज द स्टील ट्यूब्स ठीक है उस केस में हम क्या यूज करेंगे उस केस में हम स्टील्स का यूज करेंगे किसके लिए कंडेंसेशन के लिए जो ट्यूब होगी हमारी वो स्टील की होगी ठीक है जनरली हम लोग फिंस भी प्रोवाइड करते हैं ठीक है फिंस हमेशा प्रोवाइडेड होती है वहां पे कंडेंसर में ठीक है तो फिंस आर यूज्ड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए फिन का यूज करते हैं ठीक है और फिंस आर जनरली मेड अप ऑफ एल्मोनियम एल्मोनियम्स का हम लोग फिन रखते हैं ठीक है ड्यू टू इट्स लाइट वेट क्योंकि अल्मोनियम का वेट काफी कम होता है तो इसलिए जो फिंस होती है वो हमारी किसकी होती है वो हमारी होती है एल्मोनियम की ठीक है जनरली जो एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं वो हमारे यूज होते हैं फॉर द मीडियम कैपेसिटी सिस्टम और स्मॉल सिस्टम ठीक है ज्यादातर स्मॉल कैपेसिटी सिस्टम में यूज होते थे पहले लेकिन अब हमारे पास मीडियम कैपेसिटी सिस्टम में भी ये यूज हो रहे हैं ठीक है क्योंकि वाटर की एबेबिलिटी कम होती जा रही है तो इसलिए हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर का जो यूज है वो अब बढ़ चुका है और स्मॉल कैपेसिटी से हम कह सकते हैं कि अब ये मीडियम कैपेसिटी के लिए भी यूज हो रहा है ठीक है जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया ठीक है आपका रूम ए हो गया और फ्रीजर्स हो गए इन सब में जो कंडेंसर यूज होगा दैट इज द एयर कूल्ड कंडेंसर ठीक है और जनरली जो रो होती है दैट मीन्स रो का मतलब ये जो ट्यूब दिख रही होंगी आपको ऐसा आपने देखा होगा जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसके पीछे जो आपका

इज यूज एंड एट रो इज नॉट एफिशिएंट ठीक है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ये जो ट्यूब्स होती है ठीक है ये जो ट्यूब्स आपको दिख रही है इन ट्यूब्स की टू टू सिक्स रो को हम लोग यूज करते हैं ठीक है एट रो अगर हम कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कंडेंसेशन होता है ये हीट गेन शुरू हो जाता है ठीक है तो एट रो जो है उतना इफिशियंट नहीं हो पाता तो टू टू सिक्स रो के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज करते हैं क्योंकि एट रो uh, कर देने पे या सिक्स रो से ज्यादा जाने पे क्या होता है कि जो हीट गेन होता है वो ज्यादा होने लगता है और हीट लॉस कम होता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है तो इसीलिए हम लोग टू टू सिक्स रो इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रोज इन द कूल्ड कंडेंसर ठीक है तो दो तरीके के हो सकते हैं आपके एयर कूल्ड कंडेंसर ठीक है एक आपका नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड हो सकता है एक, एक आपका फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड हो सकता है ये जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो ये जो डायग्राम है दिस इज फॉर नेचुरल कन्वेक्शन आप बोल सकते हो इसको दिस इज द नेचुरल नेचुरल कन्वेक्शन नेचुरल कन्वेक्शन एयर एयरकूल ठीक है सो दिस इज द नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर एज यू कैन सी ठीक है इसके बाद आपका फोर्स कन्वेक्शन भी हो सकता है ठीक है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर डायग्राम देखिए हमारे पास जो कंडेंसर हो सकता है वो हमारे पास एयर कूल्ड में ये हमारे पास ये नेचुरल कन्वेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ठीक है नेचुरल कन्वेक्शन कैसा होता है ये इस तरह की ट्यूब्स होती है ठीक है और इस तरह के ट्यूब्स में हम लोग क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट आउट एंड रेफ्रिजरेंट इन ठीक है देर इज अ रेफ्रिजरेंट आउट एंड रेफ्रिजरेंट ठीक है जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा होता है यहाँ पे तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम आप देख सकते हो ये डायग्राम हमारा है नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर के लिए ठीक है तो नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर में देख सकते हो कि वो कंडेंस करना है थ्रू दिस ठीक है तो ये आपका रेफ्रिजरेंट आउट है यहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो वेपर फॉर्म में जनरली आता है ठीक है और यहाँ पे जो निकलता है दिस इज जनरली इन लिक्विड फॉर्म ठीक है तो लिक्विड फॉर्म में आपका रेफ्रिजरेंट बाहर आएगा एक एयर कूल्ड कंडेंसर है 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 जो कि नेचुरल कन्वेक्शन पे बेस्ड ठीक फिंस ये आपके क्या है फिंस है ठीक है ये आप देख सकते हो फोर्स सर्कुलेशन टाइप फोर्स सर्कुलेशन टाइप में आप देख सकते हो कि आपके पास क्या होते हैं फैंस होते हैं देर आर द फैंस ठीक है जैसे आप अपना एसी देखते हो विंडो एसी देखते हो विंडो एसी हो गया या फिर आपका जो स्प्लिट एसी होता है ठीक है उसमें आप देखते हो कि फैन लगा होता है ठीक है तो इस केस में हम क्या करते हैं कि फैन के थ्रू जो एयर है उसको हम यहाँ पे ब्लो करते हैं इस तरीके से ठीक है और उसमें जो है हमारा एयर फिर डिस्चार्ज कर देते हैं एयर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसकी हीट लेकर के और क्या होता है बाहर चला जाता है ठीक है तो ये आपका फोर्स कन्वेक्शन टाइप ऑफ फोर्स कन्वेक्शन टाइप्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर है ठीक है तो ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया नाउ कम टू द सो नाउ कम टू द वाटर कूल कंडेंसर अब हम वाटर कूल कंडेंसर पे आ जाते हैं वाटर कूल कंडेंसर में दो तरीके के हमारे जनरली सिस्टम्स होते हैं ठीक है देर आर ऑलवेज दीज आर ऑलवेज प्रीफर्ड वेयर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लियर एंड इनएक्सपेंसिव वाटर एंड मीन्स ऑफ देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर कूल कंडेंसर दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं वाटर कूल कंडेंसर में ये सिस्टम की बात कर रहे हैं वाटर कूल कंडेंसर की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है दो तरीके के सिस्टम हो सकते हैं एक आपका वेस्ट वाटर सिस्टम हो सकता है एक आपका वाटर सिस्टम हो सकता है ठीक है वेस्ट वाटर सिस्टम हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमारे पास बहुत सारा वाटर हो ठीक है इन दिस टाइप ऑफ वाटर सिस्टम जो हमारा क्या होता है ये जो वेस्ट वाटर सिस्टम होगा ठीक है वेस्ट वाटर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट वाटर सिस्टम में हमारे पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर होता है और हर बार हम नया वाटर यूज करते हैं फॉर द कंडेंसेशन ठीक है लेकिन रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम में एक ही वाटर को बार बार रिसर्कुलेट किया जाता है ठीक है उसी वाटर को बार बार ठंडा करके विद द द हेल्प ऑफ कूलिंग टावर हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो एक, एक करके देख लेते हैं इसमें क्या है

इस वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए ठीक है तो ये हमारे पास वेस्ट वाटर सिस्टम हो गया उसके बाद रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम भी हो सकता है तो तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ठीक है ये हमारे पास डायग्राम है वेस्ट वाटर सिस्टम का वेस्ट वाटर सिस्टम का देख लीजिए आप पहले डायग्राम वेस्ट वाटर सिस्टम में एक देखिए जैसे कंप्रेसर है कंप्रेसर के आउटलेट से जो आपका हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको हम कंडेंसर में डाल रहे हैं ठीक है दिस इज द कंडेंसर ये आपका क्या है ये आपका है कंडेंसर ठीक है दिस इज द कंडेंसर दिस इज द कंडेंसर ओके सो वेस्ट वाटर फ्रॉम मेन सिटी इज कमिंग हेयर येज यू कैन सी दिस इज यूज एज अ कूलिंग मीडियम ठीक है और उसके बाद कूलिंग करने के बाद वार्म वाटर यहाँ पे आ जाता है ठीक है और लिक्विड रेफ्रिजरेट निकल जाता है ये जो वार्म वाटर है इसको हम सीधा सीधा कहाँ पे छोड़ देते हैं सीवर में छोड़ देते हैं ठीक है ठीक है, थेक है? दिस इज डिस्चार्ज टू दिव्य नाउ कम टू द रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम जो रिसेड वाटर सिस्टम होता है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें आप देख सकते हो जो सेम वाटर इज सर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन एक ही वाटर को बार बार सर्कुलेट करते हैं ठीक है दिस टाइप ऑफ सिस्टम रिक्वायर्ड स्पेशल डिवाइस फॉर कूलिंग ऑफ वाटर लाइक कूलिंग टावर्स और स्प्रे पॉइंट इसमें चूंकि एक ही वाटर को हम बार बार यूज कर रहे हैं तो जो वाटर होगा हमारा ठीक है एक बार अगर हम कूलिंग करेंगे कंडेंसर में तो वो वाटर गर्म हो जाएगा तो फिर उस वाटर को हम दोबारा ठंडा वाटर चाहिए हमें ठीक है कंडेंसर में तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कूलिंग टावर का ठीक है एज यू कैन सी दिस इज द कूलिंग टावर वेयर द हॉट वाटर आफ्टर द कंडेन्न वाटर बिकम हॉट एंड इज सप्लाइड टू द कूलिंग टावर वेयर इट इज अगेन कूल्ड सो दैट इट कैन बी यूज फॉर द कंडेन्सेशन ठीक है दोबारा से उसको कूल कर लेते हैं कि वो हमारा वापस कंडेशन के लिए यूज हो पाए ठीक है, है तो वाटर पंप जनरली यहाँ पे हमारा यूज होता है टू सर्कुलेट द वाटर एज यू कैन सी दिस इज द कंडेन्से वाटर ठीक है मेकअप वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द वटर एवोपरेटेड इन कूलिंग टावर और स्प्रे पॉइंट क्योंकि कुछ वाटर का पोर्सन एवोपरेट हो जाता है तो कुछ मेकअप वाटर हमेशा हमें चाहिए होता है ठीक है तो इस सिस्टम को मैं यहाँ पे डिटेल में दिखा देता हूँ आप लोगों को देखिए यहाँ पे इस सिस्टम को आप देख सकते हो जो हमारे पास कंड कंडेंसर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट उसको हम इस कंडेंसर में डाल रहे हैं और यहां पे हमारे पास इस लाइन में देख सकते हो आपका कंडेंसर से आपका जो आपका रेफ्रिजरेंट है लिक्विड वो आपको रिसीव हो रहा है, रहा है है जो रिसीवर में जा ठीक है उसके बाद आप देख सकते हो कि जो कूलिंग वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है थीके? वो बार बार यूज कर रहे हैं देखिए कोल्ड वाटर आपका कहां से आ रहा है कोल्ड वाटर आपका आ रहा है कूलिंग टावर से ठीक है कूलिंग टावर और कुछ मेकअप वाटर यूज करके हम यहाँ पे कंडेंसेट वाटर पंप है इसके थ्रू हम इसको इसमें डाल रहे हैं ठीक है थीके? जो हमारा कंडेंसर है इसमें और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं जो

तो कंडेंसेशन में यूज होने के बाद जो आपका वाटर गर्म हो चुका है उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का यूज किया जाता है जिससे कि हम एक ही वाटर को बार बार रिसर्कुलेट करके कंडेंसर में यूज कर पाए ठीक है तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर कूल कंडेंसर की तो टाइप्स ऑफ वाटर कूल कंडेंसर में आप देख सकते हो कि आपका कई तरीके के कंडेंसर होते हैं सबसे पहला जो कंडेंसर है ठीक है जो सबसे पहला आपका कंडेंसर है दैट इज ट्यूब इन ट्यूब ठीक है या डबल ट्यूब कंडेंसर है ट्यूब इन ट्यूब और डबल ट्यूब कंडेंसर है ये बहुत ही सिंपल डायग्राम होता है देखो आप ट्यूब एंड ट्यूब या डबल ट्यूब जो कंडेंसर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है आप देख सकते हो ठीक है एक साइड से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका यहाँ पे देख सकते हो आप ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका फ्रॉम द कंप्रेसर इज इंटरिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पाइप ठीक है इस पाइप से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट जा रहा है और दूसरा जो है आपका यहाँ पे देख सकते हो ये जो दूसरी पाइपलाइन है ये आपका पाइप है ठीक है इससे आपका वाटर इन हो रहा है ठीक है दैट इज यूज एज ए कंडेंसिंग मीडियम ठीक है तो ये आपका वाटर का जो फ्लो है आप देख सकते हो कि वाटर का जो फ्लो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है ठीक है और जो आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है दैट इट इज इट्स काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ये एक तरह का काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है इसमें आपका पैलल फ्लो भी हो सकता है ठीक है तो कोई जरूरी नहीं है बट ज्यादातर केस में हम लोग काउंटर फ्लो यूज करते हैं काउंटर फ्लो की जो इफेक्टिवनेस होती है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की दैट इज गुड ठीक है तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं देखिए इट कंसिस्ट ऑफ अ वाटर ट्यूब इन अ लार्ज रेफ्रिजरेंट ट्यूब ठीक है लार्ज रेफ्रिजरेंट ट्यूब के अंदर एक वाटर ट्यूब होती है पतली सी आप देख सकते हो जो रेफ्रिजरेंट ट्यूब है ये रेफ्रिजरेंट ट्यूब है ये बड़ी बड़ी है ठीक है और ये पतला है ठीक है उसके बाद आप देख सकते हो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर फ्रॉम द टॉप एंड द कंडेंस रेफ्रिजरेंट फ्लोज आउट बॉटम ठीक है जो आपका hot refrigerant होता है, वो आपका से यहाँ बॉटम से आपका, आपका से आप से जो है refrigerant, आपका यहां bottom से, ये refrigerant आपका ये bottom से निकल सकता है यहां से ठीक है यहां से आपका ये कंडेंस रेफ्रिजरेंट निकलता है ठीक है उसके बाद देख लेते हैं कोल्ड वाटर टेक्स हीट एंड फ्लो आउट फ्रॉम द सिस्टम जो कोल्ड वाटर होता है उसको एज ए कंडेंसिंग मीडियम यूज करते हैं ठीक है तो वो रेफ्रिजरेंट की हीट लेके निक, बाहर निकल जाता है ठीक है इट मे बी ऑफ टू टाइप आइदर काउंटर फ्लो टाइप और पैलर फ्लो टाइप जैसा मैंने बताया आपको काउंटर फ्लो भी हो सकता है और पैलर फ्लो भी हो सकता है ठीक है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर वो डिपेंड करेगा कि आप डायरेक्शन ऑफ वाटर क्या रखते हो ठीक है अगर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर मैं वाटर को इस डायरेक्शन से डालता तो दोनों का जो फ्लो होता है रेफ्रिजरेट का फ्लो और जो वाटर का फ्लो वो सेम डायरेक्शन में हो जाता उस में blow, है उस केस में इट विल बी अ केस ऑफ पैलर फ्लो ठीक है उसके बाद जो दूसरा आपका कंडेंसर है दैट इज द सेल एंड कॉइल कंडेंसर ठीक है ये आपका दूसरा कंडेंसर कंडेंसर है सेल एंड तो पहले मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूं देखिए इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि द सेल एंड कंडेंसर देर विल बी अ सेल एंड देर विल बी अ अल ठीक है तो कॉइल के अंदर जो फ्लो करता है वो आपका वाटर फ्लो करता है यहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे ये देखिए आपका क्वाइल है ठीक है इस क्वाइल के अंदर जो आपका फ्लो कर रहा है दैट इज द वाटर ठीक है सो द कोल्ड वाटर इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर ट्यूब ठीक है एंड हॉट वाटर इज कमिंग आउट बाय टेकिंग द हीट ऑफ द रेफ्रिजरेंट ठीक है और यहां से आपका हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है और यहां से आपका लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका बाहर आ रहा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सेल के अंदर है ठीक है सो दिस इज द एज यू कैन सी एंड दिस इज द सेल ठीक है सो दिस इज सेल एंड एंड कंडेंसर कंडेंसर बेसिकली में देख लेते हैं क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वाटर क्वाइल्स इंक्लोज इन अ वेल्डेड स्टील सेल ठीक है एक वेल्डेड स्टील सेल के अंदर वन और मोर वाटर कॉल्स हो सकती हैं, ठीक है वाटर फ्लो इन द ट्यूब्स एंड कंडेंसेट रेफ्रिजरेंट ड्रॉप्स एट द बॉटम ऑफ द सेल ठीक है जो कंडेंसेट रेफ्रिजेंट है वो बॉटम ऑफ द सेल पे निकल के आता है ठीक है और जनरली ये जो सिस्टम है इसको हम लोग 50 10 ऑफ कैपेसिटी के लिए यूज कर सकते हैं अप टू 50 10 ऑफ कैपेसिटी के लिए आप यूज कर सकते हो इस तरह के सिस्टम को ठीक है तो ये भी आपका एक तरीके का जो है वाटर कूल्ड कंडेंसर हो जाता है ठीक है तो अब मैं आपको इसका डायग्राम दोबारा से दिखाना चाहूंगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेल एंड क्वाल टाइप ऑफ कंडेंसर है वो किस तरीके का होता है ये देखिए आपका ये सेलेंड क्वाइल टाइप ऑफ कंडेंसर है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ से इन हो रहा है वार्म वाटर यहाँ पे आपका आउट हो रहा है यहाँ से आपका हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर आपका इन हो रहा है यहां से आपका वेपर है हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर ये आपका इन हो रहा है और यहां से आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो आपका आउट हो रहा है ठीक है सो यू कैन एज यू कैन सी दिस इज अ सैलेंट कॉइल टाइप ऑफ कंडेंसर ठीक है ये आपका सैलेंट कॉइल कंडेंसर है नाउ कम टू द सैलेंट ट्यूब कंडेंसर ठीक है तो अगला आपका ट्यूब है, है? इसमें एक सिलेंड्रिकल आप कह सकते हो कि सेल होता है ठीक है अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको ये इसकी शेप दिखती है यहाँ पे एक हेड होता है यहाँ पे एक हेड होता है यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी इस तरीके से ट्यूब्स होती है इस तरीके से बहुत सारी जो इस, ट्यूब्स होती है नंबर ऑफ स्टेट वाटर ट्यूब्स होती है ठीक है ग्रुप्स इन द ट्यूब होल्स टू टू फॉर्म अ वेपर टाइट फिट ठीक है तो ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि वेपर टाइट फिट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं बाय मेकिंग द ग्रुप ठीक है बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ठीक है तो अब मैं आपको बता दिखा देता हूं यहाँ पे सैलैंड वाटर ट्यूब कंडेंसर का मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा ये बहुत जगह पे यूज होता है हमारा सैलैंड ट्यूब कंडेंसर ठीक है तो ये देखिए आप देख सकते हो ये सैलेंट ट्यूब कंडेंसर का डायग्राम है ठीक है और यहां से आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है आपका ये आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड इनलेट ठीक है और यहां पे आप देख सकते हो रेफ्रिजरेंट सक्शन आउटलेट ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रेफ्रिजरेंट जो है आपका यहां से इन करेगा और रेफ्रिजरेंट जो है आपका यहां से आउट होगा ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो और जो वाटर है आपका वाटर यहां से इन करेगा वाटर विल एंटर थ्रू दिस ठीक है दिस इज सेपरेटेड यहाँ पे एक सेपरेटेड कह सकते हो कि आप सेपरेट करने के लिए यहां पे एक वाल होता है ठीक है तो आपका जो वाटर है वो यहां से इन होता है ठीक है और जो वाटर है वो आपका यहाँ से आउट होता है ठीक है इस तरीके से आपका ये सिस्टम होता है और यहाँ पे हेड होते हैं ये दो हेड होते हैं एक हेड इधर देख सकते हो आप राइट right साइड में एक हेड आपका लेफ्ट साइड में होता है ठीक है और इसके अंदर बहुत सारे जो ट्यूब्स होते हैं वो ट्यूब्स होते हैं इन ट्यूब्स में वाटर हमारा फ्लो करता है ठीक है तो यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेंट ये आपका बेसिकली रेफ्रिजरेंट वेपर यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से जो आपका निकलेगा वो होगा आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट ठीक है यहाँ पे आपका निकलेगा दैट विल बी द लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो ये आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर है मैं इसका तुम, आप लोगों को डायग्राम दिखाना चाहूंगा देखिए ये है आपका इसका फिजिकल डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके का होता है ठीक है ये आप यहां से देख सकते हो कि वाटर एंटर करता है यहां से वाटर जो है आपका आउट होता है ठीक है हेयर द वाटर इन ठीक है वाटर आपका इन करेगा यहां से आपका वाटर क्या होगा आउट करेगा ठीक है ये इसके हेड हो गए ये इसका क्या होगा हेड हो गया आप इसको खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके की शेप मिलती है इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स आपको दिखेंगी इस तरीके की ठीक है तो इसको आप ओपन करोगे तो इस तरीके की शेप आएगी यहाँ पे, पे भी एक हेड होता है यहाँ पे भी एक हेड होता है जिसको आप ओपन कर सकते हो ठीक है और यहाँ पे हमारे पास माउंटिंग होती है दीज आर दाउंटिंग माउंटिंग सी ये आपका माउंटिंग्स है कहीं पे भी आपको इंस्टॉल करना है उसके लिए माउंटिंग्स होती है ठीक है और ये इसका बेस होता है ठीक है ये आपका बेस हो गया ठीक है और एक जगह से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन करेगा ठीक है और एक जगह से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो बाहर आएगा इस तरह के सिस्टम में दो आपके पॉइंट्स होते हैं एक जगह से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन होगा और दूसरी जगह से आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो आउट जाएगा उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेज होती है ठीक है तो इस तरीके का हमारा जो सेल एंड वाटर सेल एंड ट्यूब कंडेंसर यहां पे आप देख सकते हो सेल एंड ट्यूब कंडेंसर तो सेल एंड ट्यूब कंडेंसर के बारे में हमने बात कर ली अब आ जाते हैं एबोपरेटिव कंडेंसर ठीक है देखिए एबोपरेटिव कंडेंसर क्या होते हैं इसमें दोनों चीजें हम लोग यूज करते हैं एज ए कूलिंग मीडियम वाटर को भी यूज करते हैं और एयर को भी यूज करते हैं दीज कंडर यूज बोथ एयर एंड वाटर एज ए कंडेंसिंग मीडियम ठीक है दीज कंडेंसर परफॉर्म द कंबाइंड फंक्शन ऑफ वाटर कूल कंडेंसर एंड कूलिंग टावर ठीक है कूलिंग टावर का भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है और वाटर कूल कंडेंसर का भी ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है ठीक है हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फर्स्ट फ्रॉम द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल एंड सेकेंड बाय द एयर ड्रॉन फ्रॉम द फैन ठीक है तो हीट ट्रांसफर यहां पे वाटर से भी होता है और एयर से भी होता है दोनों से हीट ट्रांसफर यहां पे आपका होता है तो ये यह आप यहां पे डायग्राम देख सकते हो इस डायग्राम को देखिए आप समझ लीजिए यहां पे आपका जो संप है दिस इज द दिस इज द संप ऑफ वाटर दिस इज द संप ऑफ वाटर फ्रॉम यू आर टेकिंग द वाटर फ्रॉम बाय अ पंप आप कह सकते हो ये आपका एक पंप है इस पंप के थ्रू आप वाटर यहाँ पे ले रहे हो यहाँ पे ये यह क्या लगे हैं नोजल्स लगे हैं दिज आर द स्प्रे नोजल्स ठीक है ये आपके क्या है स्प्रे नोजल्स हैं ठीक है तो स्प्रे नोजल्स के थ्रू हम वाटर स्प्रे कर रहे हैं और हमारा जो कॉइल्स है कंडेंसर की वो ये रही ये आपकी कॉइल्स है कंडेंसर की ये आप देख पा रहे हो ये आपका कंडेंसर लिखा हुआ है ठीक है ये देखिए आप ये जो कॉइल्स हैं, ये कॉइल्स हैं आपकी कंडेंसर की जहां पे आपका हॉट वेपर रेफ्रेज यहां से इन हो रहा है इस कॉल के एंट्री है ये ठीक है और ये दिस इज द आउटलेट ऑफ दैट मीन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द ठीक है तो एक तो आपका वाटर से आप कूलिंग कर रहे हो क्योंकि जब आप वाटर यहाँ, यहाँ पे आप वाटर स्प्रे कर रहे हो इसके ऊपर तो उसकी वजह से कूलिंग हो रही है दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे एक फैन लगा है और इस फैन के थ्रू जो एयर है वो यहाँ से एंटर हो रही है ठीक है डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से एयर यहाँ पे एंटर हो रही है और एयर इस के थ्रू होकर के और यहां से बाहर निकल रही है एयर यहां से बाहर निकल रही है बाय थ्रू एन एलिमिनेटर एलिमिनेटर के थ्रू ये जो एयर है वो हमारे पास यहाँ बाहर निकल रही है तो आप देख सकते हो कि ये डबल फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होता है ठीक है हम कूलिंग जो कर रहे हैं वो वाटर से भी कर रहे हैं एज वेल एज द एयर इज ऑल्सो यूज फॉर द कूलिंग ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पे यूज कर सकते हो जो आपका <laughs> रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और दूसरी चीज ये आप देख सकते हो चुकी जब हम यहां पे एयर को यूज करते हैं ठीक है थीके? और यहां पे हमारा क्या आ रहा है वाटर के ड्रॉपलेट से तो जब एयर यहां से गुजरती है तो जो आपका वाटर आपने यूज किया है कंडेंसिंग के लिए वो दोबारा से कूल हो जाता है मतलब यहां पे जो आपका वाटर आता है ये काफी फिर कूल हो जाता है जिसको आप रिसर्कुलेट कर सकते हो ठीक है तो कूलिंग टावर में भी कुछ इसी तरीके का फंक्शन होता है ठीक है तो मैं एक स्पेशल लेक्चर तो होता है tower, यहाँ पे हमारे पास होते हैं, ठीक? और यहां से हम लोग एयर ब्लो करते हैं बाय दिस वे यू कैन डिक्रीज दिस टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर वाटर अप टू बल्ब टेम्परेचर ऑफ दिस एयर बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर तक हम उसका टेम्परेचर घटा सकते हैं अगर हम अगर आइडियल केस की बात करें ठीक है लेकिन उससे थोड़ा बहुत कम वहां तक हम घटा नहीं पाते हैं ठीक है अपटू द वेट बल टेम्परेचर हम घटा नहीं पाते क्योंकि वो एक आइडियल केस है लेकिन काफी हम टेम्परेचर जो है वाटर का वो हम रिड्यूस कर सकते हैं वी फ्लो द एयर लाइक दिस स्प्रे में अगर हम पहले वाटर को तोड़ दें उसके बाद हम एयर उसके ऊपर फ्लो करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं जो वाटर है उसका टेम्परेचर काफी हद तक कम कर सकते हैं जो कि बार बार हम रिसर्कुलेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसका एक क्लियर डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा यू एज यू कैन सी दिस इज द फाइनल दिस इज द डायग्राम ऑफ एबोपरेटिव कंडेंसर एज यू कैन सी ठीक है ये आपका एबोपरेटिव कंडेंसर का डायग्राम है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयर दिस इज द एयर इनलेट दिस इज द एयर इनलेट देर आर टू हेयर देर आर टू साइड्स फ्रॉम टू साइड्स द एयर इज इंडसिंग टू द सिस्टम ठीक है और यहां से देख सकते हो आप एयर आउटलेट ये फैन है जो कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो उसके थ्रू एयर हमारे यहाँ पे ब्लो हो रही है ये आपका स्प्रे नोजल्स है एज यू कैन सी ये स्प्रे नोजल्स है ठीक है और ये आपका पंप है जिसके थ्रू हम जो वाटर है उसको सिस्टम में सर्कुलेट कर रहे हैं ये आपका वाटर है ठीक है और ये आपका रेफ्रिजरेंट है रेफ्रिजरेंट आपका यहाँ से इन करेगा रेफ्रिजरेंट आपका यहाँ से आउट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है ये दीज आर द ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स ठीक है और इस तरीके से आपका ये जो पूरा सिस्टम है ये आपका काम करता है एबोपरेटिव कंडेंसर ये हमारा क्या था एबोपरेटिव कंडेंसर था डिस्कस नाउ ऑल द कंडेंसर्स ठीक है सो थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर लिसनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एबोपरेटिव ठीक है और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन uh, में भी इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब कर ले आप चैनल को अगर आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो ठीक है अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर लिसनिंग बेस्ट ऑफ लक